गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज इवनिंग कितनी सर। आज कितनी क्लास है तुम लोग की? चौथी है ये? तीसरी? नहीं सर। सर मनीष सर की नहीं थी सर, कैंसिल हो गई थी। यह दूसरी है? यस सर। मेरे बाद भी किसी की है? मिश्रा सर की। मिश्रा सर। रैपिड फायर थी फिर भी क्लास लगा दी गई। यस सर। कहाँ तक हो गया था बेटा हम लोग का? यहां तक हो गया था ना? क्यों भाई, यहां तक बताया था? यस सर। यस सर। आज सर एनसीईआरटी की बात करी थी। चलो एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, उसमें कौन सी दिक्कत है। एनसीईआरटी में भी तो यही सब लिखा है, लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ है। गुड इवनिंग आ गई बेटा स्क्रीन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्क्रीन आ बेटा। यस सर। जी सर। यस सर। आ रही है। देखो बेटा पहला पेज केमिकल इक्विलिब्रिया आर इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरस बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेस। भाई अगर बायोलॉजी का है तो फिर तो आपको हमसे ज्यादा ही आता होगा वहां पे। जैसे देखो एक ये इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग O2 मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू आवर मसल। आइडिया है बेटा इसका तुम लोग को? बोलो। यस सर। और ये दूसरा इन्होंने एग्जांपल दी है, इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग CO मॉलिक्यूल एंड हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होती है ना, दिक्कत करती है फिर सांस वांस लेने में। तो इसके इसके बारे में तो भाई आपको हमसे ज्यादा आता होगा। ठीक है बोलो भाई। Yes, बायो के स्टूडेंट हो कि नहीं यार? देखो जिसकी जिस चीज में महारत है, अब बायो का हमें ABCD नहीं आती है। तुम बायो में तुम सेल पूछोगे हमें नहीं मालूम भैया। तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होते तो कभी पढ़े होते, हम मैथ के स्टूडेंट रहे कब पैदा हुए ये बताओ। नाइन टेंथ जानते कब पढ़े थे? नाइन्थ हमने किया था 87 में और टेंथ किया था 88 में, ट्वेल्थ किया था 90 में जब तुम पैदा ही नहीं हुए थे। यस सर। चलिए देखो बेटा शुरुआत के पेजों में इन्होंने फिजिकल इक्विलिब्रियम को ज्यादातर तवज्जो दी है, हालांकि उसका कोई बहुत ज्यादा वो रोल नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे बहुत ज्यादा उस पर नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो शुरू में इन्होंने बताया है खासतौर से वेपराइजेशन, उसका सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादा रोल है। देखो जैसे इन्होंने कहा व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट इन ए क्लोज कंटेनर मॉलिक्यूल्स विद रिलेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा आपने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया,
लिक्विड आप सबको मालूम है बेटा वोलेटाइल होता है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लेट से 25 डिग्री सी पर आपने बेटा बीकर में वाटर ले लिया या क्लोज कंटेनर उसमें वाटर ले लिया, तो आप सबको मालूम है ना बेटा कि वाटर हर टेम्परेचर पे इवोपरेट होता है। वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होते हैं, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। देखो इन्होंने इसी बात को बोला है, When a liquid evaporate in a closed container molecule with relative high kinetic energy, escape the liquid surface. तो जिन मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो बेटा सरफेस से एस्केप करते हैं, वेपर फेस में जाते हैं। लेकिन वेपर फेस में जब शुरू में तो वेपर के मॉलिक्यूल कम होंगे, फिर क्या होगा, वेपर के जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल आपस में टकराने लगेंगे, वो बेटा वो वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से टकराएंगे तो उससे एक नया प्रोसेस क्या डेवलप होगा, कंडेंसेशन। तो देखो लिक्विड सरफेस इनटू द वेपर फेस एंड नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वेपर फेस स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस एंड एंड रिटेन इन द लिक्विड फेस। तो देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेस में जाते हैं और जब वेपर फेस में मॉलिक्यूल पहुंच गए लिक्विड के यानी वाटर के तो वो आपस में टकराते हैं, फिर आके सरफेस से टकर लिक्विड के सरफेस से टकराते हैं तो एक अपोजिट प्रोसेस डेवलप होता है कंडेंसेशन। इट गिव राइज टू ए कांस्टेंट वेपर प्रेशर बिकॉज एन इक्विलिब्रियम इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिविंग द लिक्विड इक्वल टू द नंबर ऑफ रिटर्निंग टू द लिक्विड फ्रॉम द वेपर। तो देखो बेटा होता क्या है कि शुरुआत में इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। जब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, ठीक है, कल हमने बताया था ना इक्विलिब्रियम पर, चाहे बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता। तो जब बेटा वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है तो वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स हो जाते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स हो जाते हैं, लेकिन वेपर के मॉलिक्यूल लगातार आपस में रैंडम मोशन करते रहते हैं और वो लगातार सरफेस से टकराते रहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल के। तो वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस से टकराने के कारण क्या डेवलप करते हैं, प्रेशर, उसको हम लोग बेटा बोलते हैं वेपर प्रेशर। कब मेजर किया जाता है, इक्विलिब्रियम पर। क्यों इक्विलिब्रियम पर मेजर किया जाता है, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम पर जो वैल्यू मिलेगी वो फिक्स मिलती है, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कभी चेंज नहीं होगी। यही बात इन्होंने की है, इट गिव राइज टू ए कांस्टेंट वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम पर जितने वेपर के मॉलिक्यूल बनने थे वो फिक्स हो गए, तो टकराने वाले मॉलिक्यूल फिक्स होंगे, तो बेटा वेपर प्रेशर भी जो डेवलप होगा वो फिक्स होगा। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ तब तक ये जो वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहेगी, लेकिन जब रेट ऑफ इवोपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स हो जाएंगे, तब बेटा वेपर प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा। क्यों फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वेपर और लिक्विड के बीच में क्या एग्जिस्ट कर जाता है, इक्विलिब्रियम। तो जिस रेट से लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे होंगे उसी रेट से वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, यानी कंडेंसेशन हो रहा होगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो वेपर और लिक्विड के बीच में बेटा इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ वो बेटा स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक होता है। हमको लगता है कि स्टैटिक है लेकिन डायनामिक होता है। क्यों, देखो इन्होंने इसके लिए लिखा है, जहां पर लिक्विड और वेपर बेटा मिलते हैं वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर। तो जहां पर वेपर और लिक्विड की बाउंड्री है जहां पर वो टच कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, ऐसा नहीं कि सब एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो बेटा याद रखो चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल, ऑलवेज इट इज डायनामिक इन नेचर। यानी बेटा इक्विलिब्रियम पर प्रोसेस रुकता नहीं है,
इक्वल और अपोजिट स्पीड से होता रहता है, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो या इक्विलिब्रियम। तो देखो बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, और ये देखो इन्होंने रिप्रेजेंट किया। जैसे ए टू बी होता है तो ए को हम लोग रिएक्टेंट मानते हैं, बी को प्रोडक्ट मानते हैं, तो यहाँ पर आप एच टू ओ लिक्विड को रिएक्टेंट मान लो और एच टू ओ वेपर को प्रोडक्ट मान लो। तो इक्विलिब्रियम पर बेटा एच टू ओ लिक्विड का अमाउंट एच टू ओ वेपर का अमाउंट फिक्स होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है। और आप सबको मालूम है डबल हाफ एरो इंडिकेट द प्रोसेस इज बोथ डायरेक्शन रिवर्सिबल। हेलो सर, पेन बदल लीजिए। पेन बदल लें, एक मिनट। अब सही है, अब रेड कर लेते हैं। अब सही है बेटा? यस सर। फिर देखो, ये तो सबको मालूम है बेटा, डबल हाफ एरो इंडिकेट दैट प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यानी दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। और बेटा, या हमने कल क्या बताया था, चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल, अगर वो रिवर्सिबल है तो बेटा क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम। कोई भी बेटा फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल, 100% कंप्लीट नहीं होता। तो 100% कंप्लीट नहीं होगा तो बेटा इक्विलिब्रियम पर बचा हुआ रिएक्टेंट होता है, बना हुआ प्रोडक्ट होता है, और दोनों की कंसंट्रेशन बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है। यानी इक्विलिब्रियम पर वेसल के अंदर बचा हुआ रिएक्टेंट होगा, बना हुआ प्रोडक्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक बेटा, बोलो भाई। तो जरा बता दो, इस इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पर चीज है। सॉल्यूशन में हम लोग वेपर प्रेशर बहुत पढ़ते हैं, तो कोई पूछे व्हाट इज वेपर प्रेशर, जब बेटा वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी जब क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे हो? नहीं सर। देखो बेटा, यहाँ जरा वेपर प्रेशर समझ लो, जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, यानी जब बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है, उस वक्त वेपर के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स होते हैं। ऐसी कंडीशन पर वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर टकराने के कारण जितना प्रेशर डेवलप करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और ये बेटा एक गिवन टेम्परेचर पर फिक्स होता है और कभी भी बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन। और कंडीशन बेटा वही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर फॉरवर्ड बेटा इवेपोरेशन था, बैकवर्ड कंडेंसेशन था, तो यहाँ पर कंडीशन क्या डेवलप होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। फिर देखो, रिएक्शन मे बी फास्ट और स्लो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो जनरल बात है। व्हेन द रिएक्टेंट इन ए क्लोज वेसल at a particular temperature react to give product, the concentration of the reactant keep on decreasing while those of product keep up increasing for some time, after which there is no change in the concentration of either of the reactant or product। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कल ये सब बताया था कि देखो बेटा, अगर आप रिएक्शन को क्लोज वेसल में कराते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट का अमाउंट बेटा क्या होता है, डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बेटा क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक ऐसी सिचुएशन आती है जब रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होना बंद हो जाता है,
प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होना बंद हो जाता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना बंद हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये उसी को हम लोग इनडायरेक्ट वे में क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, नेट में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है, जिस रेट से प्रोडक्ट बनता है उसी रेट से कंज्यूम होता है, नेट चेंज जीरो। सिमिलरली जिस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसी रेट से आपका रिएक्टेंट प्रोड्यूस होता है, नेट चेंज जीरो। बोलो बेटा इस पेज पे और कोई दिक्कत? नो सर। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये कई पेज है कि दो पेज हो गया? फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी दोनों की वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है, सेम। इट इज ड्यू टू द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये सब बता दिया बेटा, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज इन द रिएक्शन मिक्सर। स्पेसीज क्या, दो ही होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नो चेंज। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब बेटा इक्विलिब्रियम अटेन होने से ठीक पहले कितना रिएक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा? हेलो। यस सर। जैसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 40% है, इसका क्या मतलब है, अगर आप बेटा 10 मोल से स्टार्ट करते हो तो केवल रिएक्टेंट का 4 मोल कंज्यूम होगा इक्विलिब्रियम अटेन होने से ठीक पहले। वंस इक्विलिब्रियम इज अटेन, 4 से ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है बेटा? यस। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में इक्विलिब्रियम अटेन होने से ठीक पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। देखो तीन तरीके का हो सकता है, द रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर लेफ्ट। तो बेटा एक इस टाइप का हो सकता है कि लगभग पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, यानी रिएक्टेंट ना के बराबर बचे। ठीक है ना? दूसरा बेटा जिसमें बेटा रिएक्टेंट थोड़ा सा कंज्यूम हो, यानी बहुत थोड़ा सा कंज्यूम हो बाकी सब बचा रहे। द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, यानी जितना रिएक्टेंट लिया लगभग उतना बचा हुआ है, लिटिल बिट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। जैसे मतलब आपने 10 मोल लिया बेटा, तो बेटा 0.1 मोल खर्च हुआ, बाकी 9.9 बचा हुआ है। Most of the reaction remain unchanged at the equilibrium. और तीसरा बेटा जिसमें reactant जो बचा हुआ है और product जो बना हुआ है वो comparable होते हैं, यानी जिसको आप एक दूसरे के respect में neglect नहीं कर सकते। The reaction in which the concentration of the reactants and products are comparable when the system is in equilibrium. तो देखो बेटा कितना कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर। तो उसको बेटा तीन में क्लासिफाई किया, एक बेटा उस इक्विलिब्रियम को जिसमें मोस्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मोस्टली बोल रहा हूं, पूरा नहीं, क्योंकि अगर पूरा होगा तो बेटा वो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, उसको तब तो इरिवर्सिबल हो गया।
मोस्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट लिटिल बिट बचता है। दूसरा बेटा लिटिल बिट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी ज्यादातर रिएक्टेंट बचा रह जाता है। और तीसरा बेटा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होता है कंपेरेबल होता है, यानी ना एक बहुत कम होता है ना एक बहुत ज्यादा होता है, कंपेरेबल होता है। अभी इन्होंने आगे उसको समझाया है केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 लेके, अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 है तो मोस्टली बेटा मिक्सचर में प्रोडक्ट होता है, और केसी की वैल्यू बेटा 10 की पावर माइनस 3 है तो मोस्टली वेसल में रिएक्टेंट होता है, और अगर इन बिटवीन है तो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होते हैं, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। आगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। और ये जो बेटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, यानी एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, ठीक है ना, और भी है प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये सब जो ली चेटली प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो बेटा जब इंडस्ट्री में हम कोई प्रोसेस बेटा अडॉप्ट करते हैं तो वहां पर हम लोग ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। भाई इंडस्ट्री में अगर हम कोई बेटा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं तो उसमें हमें कॉस्ट की वैल्यू देखनी होती है कि ज्यादा कॉस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो, तो बेटा ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है कि एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कैसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ऑपरेशनल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री एज वेल एज लेबोरेटरी, सो दैट इक्विलिब्रियम इज फेवरेबल इन द डायरेक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट। सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर डील्ड इन दिस यूनिट अलॉन्ग विद द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व आयंस। और बेटा जिस इक्विलिब्रियम में आयन इन्वॉल्व होता है उसको आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई अंतर नहीं है, जिस रिवर्सिबल रिएक्शन में आयन होगा उसके इक्विलिब्रियम में आयन होगा उसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं। भाई हम लोग जैसे कहते हैं ना बेटा चाइना का माल सस्ता होता है। हेलो सर, सही सर, जी सर। भाई आप जैसे कंज्यूमर हो तो अगर आप कोई सामान एक्स खरीद रहे हो, एक दुकान वाला 100 रुपए में दे रहा है, दूसरा 60 में दे रहा है, आप किससे लोगे? 60 वाले से लोगे ना। तो अगर मान लीजिए आपने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है उससे सामान महंगा बन रहा, तो पक्की बात है बेटा आपका माल कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि आप महंगा बेचना चाहोगे, क्योंकि अगर आप सस्ता बेचोगे तो घाटे में चले जाओगे। तो बेटा इंडस्ट्री में जो प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं उनमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है, यानी कम कॉस्ट पे बनाया जाए। चाइना क्या करता है, कम कॉस्ट पे बना लेता है और वो क्या नाम से सप्लाई कर देता है। अब जैसे भाई हम ही लोग हैं, हमको मालूम है चाइनीज माल क्या सस्ता है, चाइना के ले लेते हैं, भले ही मोदी जितना भी चिल्लाते रहे मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया। भाई जैसे झालर जो होती है आजकल चाइना वाली देखते हो ना आप लोग? यस सर। आज से अगर आप 20 साल पीछे जाओ, 20 क्या 15 साल पीछे जाओ, तो ये कुछ नहीं था, और इतनी अच्छी मतलब इंडियन मेड झालर आती थी, उनकी लाइटिंग बहुत अच्छी होती थी। अब देखा होगा कभी शादी वादी में जो नहीं पट्टी टाइप की लगाते हैं, उस टाइप की पहले आती थी लोग घर में, कपड़ा, कपड़ा वाली। हाँ नहीं, पहले उसी टाइप के बल्ब की आती थी, और तुमको बताए गली गली में उसकी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। लेकिन जब से चाइना वाला आया, अब वो जितने में क्या नाम से 100 बल्ब का दे, आप दे रहे हो क्या हमसे 100 रुपए में 10 बल्ब का, वो उठा के दे देता है 100 का। तो हम मेड इन इंडिया तब थोड़ी देखते हैं, हम तो सीधे जाके सस्ता वाला खरीद लेते हैं। बस दिवाली वाले दिन ही जलता भी है भैया, लेकिन कौन देखता है इस बात को, लॉन्गेविटी तो कम होती, तुरंत का तुरंत वाला देखता है ना आदमी, कौन देखता है? यस सर, आदमी को तो तुरंत वाला चाहिए ना, आज वाला। यस सर, सही बोल रहे हैं, वो तो बाद में पता चलता है ना। जैसे
बहुत सिंपल एग्जांपल बताए का नहीं सर, लेकिन वो सब तो चलती नहीं उतनी। काकादेव में जो आज की डेट में टीचिंग हो रही है, क्या वो सिलेक्शन वाली टीचिंग है? लेकिन क्या है, लेकिन लड़के को तो अट्रैक्ट कर लेती है ना। यस सर। जो टीचर पढ़ाना चाहता है काकादेव में बेवकूफ है, और जो डांस कराता है वो हिट टीचर है। लेकिन जब तक लड़के को पता चलता है तब तक उसका साल खत्म हो चुका होता है। यस सर। और मजे की बात तो यही है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है वही जाके दलाली करते हैं, वो वही अपने गांव से लाके बच्चों को पकड़ते हैं, आधी फीस अपने जेब में रखते हैं, आधी उसको पकड़ाते हैं, हो गया काम। चलिए फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो देखो बेटा, सॉलिड टू लिक्विड, याद रखो बेटा, जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है, और दो स्टेट के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो बेटा डेल्टा जी क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो देखो बेटा, मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल आर फेज ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल प्रोसेस में। देखो पहला सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस, लिक्विड गैस तो हम लोग पढ़ ही के आ रहे हैं, फिर सॉलिड गैस। पहला देखो बेटा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो आइस और वाटर का है, तो आइस और वाटर आपने बेटा परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में लिया। परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब ना तो बाहर से हीट अंदर आएगी, एडियाबेटिक, अंदर से हीट बाहर जाएगी, यानी प्रोसेस क्या होगा? एडियाबेटिक। ठीक है, जीरो डिग्री सी पर 273 केल्विन पर आपने परफेक्टली इंसुलेटेड वेसल में आइस और वाटर लिया, और बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये दोनों बेटा इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक, और देखो बेटा, चूंकि इक्विलिब्रियम में होंगे तो ना तो आइस का मास चेंज होगा ना वाटर का मास चेंज होगा। मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद टाइम अगर इक्विलिब्रियम, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये बेटा केवल सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है, चाहे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो बेटा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, या डायरेक्ट सॉलिड वेपर में यानी सब्लिमेशन हो रहा हो, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास या मोल बेटा चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर और प्रेशर बेटा क्या होता है? कॉन्स्टेंट। दो स्टेट के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। और याद रखो बेटा, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल, स्टैटिक नहीं होता है। कैसा होता है? डायनामिक। यानी इक्विलिब्रियम पर भी जहां पर दो फेस जहां मिल रही होंगी वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। देखो, इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटिस एट द बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर। ठीक, यानी बेटा वाटर के मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे होंगे आइस से, और आइस से मॉलिक्यूल वाटर में जा रहे होंगे, लेकिन नेट में चेंज नहीं हो रहा होगा। मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस एंड एडहेर इट टू इट, एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ आइस एस्केप इनटू लिक्विड फेस। तो बेटा आइस कन्वर्ट हो रही होगी वाटर में, वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा आइस में, इक्विलिब्रियम पर। तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? सेम। इसलिए हमें नेट में चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन बेटा ये एक्टिविटी लगातार होती रहती है, इसीलिए इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक। लेकिन बेटा वाटर का मास
या आइस का मास इक्विलिब्रियम पे चेंज नहीं होता है, ये तो पहले बता रखा है। इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर देखो क्या आइस वाटर है, आइस बेटा रिएक्टेंट है, वाटर आपका प्रोडक्ट है, तो ना तो आइस का मास चेंज होगा ना वाटर का, क्यों? इक्विलिब्रियम है। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस इनटू वाटर एंड रिवर्स ट्रांसफर ऑफ वाटर इनटू आइस आर इक्वल। और ये ध्यान रखना, आइस और वाटर जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो टेम्परेचर बेटा क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। इसको तो हमने जनरल बता दिया, ये केवल आइस और वाटर के लिए नहीं है, चाहे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो या सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम हो, बेटा हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये वेरी करेगा इक्विलिब्रियम कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम बेटा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी। अब देखो इन्होंने यहाँ पर बेटा डेफिनेशन दी है मेल्टिंग पॉइंट की, फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेस आर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इनका बेटा क्या कहना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम में होते हैं उसको सॉलिड के रिस्पेक्ट में बेटा क्या बोला जाता है? मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड के रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। यहां देखो वर्ड नॉर्मल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1 atm। अगर 1 atm से डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, तब नॉर्मल नहीं बोलेंगे। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हालांकि देखो इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट की क्या होती है, जिस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और उसी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट दोनों का बेटा वेपर प्रेशर सेम होता है उसको हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, लिक्विड के रिस्पेक्ट में हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कितना है? 0°C है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनेगी 0°C पे? 0°C वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग, इनका मतलब है कि 0°C पर आइस और वाटर के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा? इक्विलिब्रियम, इनके अकॉर्डिंग है। और बेटा वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में यही डेफिनेशन क्या होगी? 0°C पर आइस और वाटर का वेपर प्रेशर सेम होगा। क्लियर भाई? यस सर। फिर देखो बेटा, चाहे फिजिकल हो या केमिकल, इक्विलिब्रियम कैसा होगा? डायनामिक। तो देखो ये दो कंक्लूजन क्या निकला, बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर साइमेंटेनियसली, बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट सो दैट अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट। यही बेटा दूसरा है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। दोबारा बताने की जरूरत है क्या सर? अगर आइस मेल्ट होगा तो जो वाटर बनाएगा वो उतना ही सेम रहेगा, उसका अमाउंट बढ़ेगा नहीं बेटा? इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे जितना आइस बेटा वाटर में कन्वर्ट होगा उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर जैसे हम बॉटल को फ्रीजर में डाल देते हैं तो जब वाटर डालते हैं तो वहां इक्विलिब्रियम नहीं है बेटा। वहां इक्विलिब्रियम नहीं है, जहां इक्विलिब्रियम होगा, जैसे 0°C पर अगर आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है, ये बेटा इक्विलिब्रियम की बोल रहे हैं। अगर 0 से कम टेम्परेचर होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो जो तुम आप कह रही हो सब सही है, ठीक बेटा? हाँ। फिर बेटा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं,
बताओ जरा इसकी क्या कंडीशन पीछे पढ़ के आ रहे हम लोग। अरे यार रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उसके बीच में जो होता है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पर लिक्विड के मॉलिक्यूल फिक्स होंगे, वेपर के मॉलिक्यूल फिक्स होंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। जैसे व्हाट इसी को यहाँ पे इन्होंने जैसे 100 डिग्री सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, तो 100 डिग्री सी पर लिक्विड और वेपर के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम वाटर और वाटर वेपर के बीच में, ये इनके अकॉर्डिंग। और वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होगी, 100 डिग्री सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इन्होंने देखो बेटा इसमें क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम समझने के लिए। इन्होंने क्या किया, जैसे ये देखो है, एक जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें इन्होंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया या P2O5 ले लिया, जिससे कि इसमें जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर जो जरा भी मॉइस्चर हो ना बेटा उसको बेटा दूर कर ले, तो ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, या P2O5 लोगे तो भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो भाई। यस सर। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, उसमें अब ये जो प्लेट थी उसमें इन्होंने क्या किया, जब पूरा मॉइस्चर हटा लिया अब अंदर कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, अब इन्होंने एक प्लेट पे वाटर रखा। अब देखो बेटा वाटर इवोपरेट होगा, वाटर इवोपरेट होगा तो यहाँ वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो वेपर के मॉलिक्यूल क्या डेवलप करेंगे, प्रेशर, प्रेशर डेवलप करेंगे तो देखो मैनोमीटर में क्या होगा, प्रेशर, ये हाइट क्या होगी, बढ़ेगी, प्रेशर डेवलप होगा तो हाइट बढ़ेगी और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे ये जो कैपिलरी में लेवल है वो कांस्टेंट होने लगेगा। कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन की, यानी वेपर और लिक्विड के बीच में क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम। बोलो भाई। यस सर। यही चीज इन्होंने एक्सपेरिमेंट से समझाया, रेट ऑफ इवोपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। देखो फिर से इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, एक ये बेटा जार लिया है, इसके अंदर पहले इन्होंने ऐसा सब्सटेंस रखा है जो वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, P2O5 ले लिया या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जितना भी बेटा मॉइस्चर था इसमें इन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, उसी वेसल में इन्होंने एक प्लेट पर वाटर का वाटर रखा, अब वाटर बेटा इवोपरेट होगा, इस पूरे स्पेस में वाटर के मॉलिक्यूल डेवलप होंगे, वो क्या डेवलप करेंगे, प्रेशर, वो प्रेशर किससे नापा जाएगा, मैनोमीटर से। आप देखोगे कैपिलरी में लेवल चेंज होने लगेगा, क्यों चेंज होने लगेगा, क्योंकि वाटर इवोपरेट हो रहा है और कुछ समय बाद लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट होने का मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो गया, क्या एग्जिस्ट कर गया, इक्विलिब्रियम। फिर देखो इन्होंने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स एट गिवन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये हमने पहले ही बता दिया था आपको, व्हाट इज वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, यानी जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है, उस कंडीशन पर वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पर टकराने के कारण जितना प्रेशर डेवलप करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो ये वैल्यू बेटा कांस्टेंट हो जाती है, और हम लोग मेजरमेंट कब करते हैं, जब इक्विलिब्रियम पर। फिर देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, याद रखो बेटा
किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर दो बातों पे डिपेंड करता, एक नेचर ऑफ लिक्विड पर, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब उसके बीच में फिजिकल फोर्स, जो वांडरवाल फोर्स होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब फिजिकल फोर्स कैसा है। बेटा फोर्स जितना वीक होगा वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, वेपर उतना ज्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और फोर्स जितना स्ट्रांग होगा वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी कम होगी, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा। और आप सबने पढ़ा होगा जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अब जैसे देखो इन्होंने लिया है, इन द एबो एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन एंड ईथर, इट इज ऑब्जर्व दैट डिफरेंट लिक्विड एंड डिफरेंट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। तो देखो बेटा सेम टेम्परेचर पे तीन लिक्विड लिया, तीनों का वेपर प्रेशर अलग अलग आया। क्यों अलग अलग आया? क्योंकि तीनों में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है। चलो बताओ जरा, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन और ईथर सेम मॉलिक्यूलर, मतलब किसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा? बोलो अल्कोहल का। क्यों? अल्कोहल का सबसे ज्यादा कम होगा, सबसे कम होगा सर हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सबसे ज्यादा किसका होगा? ईथर का। ईथर, एसीटोन में भी बेटा पोलैरिटी होती है इसके, इसलिए इसका इन बिटवीन होगा। तो सेम टेम्परेचर पर अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटा अलग अलग होता है, ठीक है। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर हायर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में बेटा इनवर्स का रिलेशन होगा। तो जो जिस लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स वीकेस्ट होगा वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगा, वेपर में जाने की टेंडेंसी उसकी सबसे ज्यादा होगी, वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम होगा। चलो बताओ बेटा, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट 46 होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बेटा दोनों में, वाटर में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितनी होती है? चार। चार। और इथाइल अल्कोहल में कितनी होगी? तीन। इथाइल अल्कोहल में तीन बेटा होती है, दो ऑक्सीजन के थ्रू होती है, दो ऑक्सीजन के थ्रू एक हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है। यस सर। फिर इन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा एक्सपोज किया है तो कोई मतलब नहीं है। अब यहां देखो बेटा, ये देखो टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवोपोरेशन डिपेंड ऑन, पहला बेटा नेचर ऑफ द लिक्विड, रिमेंबर इवोपोरेशन बोल रहे हैं वेपर प्रेशर नहीं, अमाउंट ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर। अगर देखो इन्होंने बोला इवोपोरेशन तीन बातों पर डिपेंड करता, लेकिन जब वेपर प्रेशर बोलेंगे तो बेटा केवल दो, वेपर प्रेशर बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता, समझ गए? Yes, sir. कोई पूछे क्यों? तो देखो बेटा जैसे एक बीकर में आपने एक लीटर वाटर लिया, दूसरे बीकर में आपने दो लीटर वाटर लिया 25 डिग्री सी पर, तो देखो बेटा जिसमें दो लीटर वाटर है वहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा, वेपर के मॉलिक्यूल बेटा ज्यादा बने, लेकिन जब आप वेपर के मॉलिक्यूल जो बने पर एमएल निकालेंगे, एक एमएल में दोनों जगह कितने बने, तो एक गिवन टेम्परेचर पे बेटा एक लीटर वाले वेसल में उतनी ही वेपर बनेगी जितनी दो लीटर वाले में बने, तो वेपर के मॉलिक्यूल बेटा एक गिवन टेम्परेचर पर एमएल में क्या होंगे? सेम। That's why vapor pressure बेटा क्या होता है? वहां पर दो लीटर वाले में वेपर ज्यादा बनेगा, लेकिन उसको 2000 से भी तो डिवाइड करोगे,
पर एमएल के लिए, तो बेटा नंबर वही आता है, समझ गए? बोलो भाई। सर इक्विलिब्रियम तो सेम होगा ना सर? नहीं, जिसमें जिसमें ज्यादा होगा उसमें इक्विलिब्रियम पहले अटेन हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पर एमएल में जो वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे वो हमेशा सेम रहेगा, अगर टेम्परेचर सेम है तो। समझ गए? इसी तरीके से सरफेस एरिया ले लो, जैसे देखो ये मैं नीचे एक डायग्राम बना रहा हूं, एक बीकर बेटा ऐसा है, इसमें एक लीटर पानी है, एक बेटा ऐसा है, इसमें भी एक लीटर पानी है, पक्की बात है यहां पर बेटा सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं है? बोलो भाई। यस सर। सेकंड वाले में सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां पर बेटा रेट ऑफ इवोपोरेशन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर दोनों जगह बेटा सेम होगा, बस ये सर। तो सकते हैं वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है सरफेस पे? बिल्कुल नहीं करता, लेकिन समझ लो प्योर लिक्विड का अगर सॉल्यूशन है तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। अब इसको आप ऐसे समझो बेटा, आपको कानपुर से दिल्ली जाना है बाय ट्रेन, डिस्टेंस तो सेम है, पटरी तो वही है। अब वंदे भारत पकड़ोगे तो 4 घंटे में, राजधानी पकड़ोगे 5 घंटे में, और बाकी ट्रेन पकड़ोगे तो कब पहुंचेगी पता नहीं, ठीक है? तो डिस्टेंस तो बेटा उतनी चलनी है, तो जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पर 1 ml के कारण जितनी वेपर बनती है वो बेटा हमेशा सेम होती है, दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर हमेशा सेम होता है, ठीक भाई? यस सर। यस सर। फिर देखो बेटा, फिर इन्होंने वही बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ डेफिनेशन दी है, वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बेटा ये बार में वैल्यू लिखी है, ये अगर आप इसको एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 आती है, तो 1 ATM बराबर 1.013 बार याद कर लेना, क्योंकि आपको मालूम है ना 1 bar कितने 8 newton पर मीटर स्क्वायर के होता है, मालूम है ये? 1 bar 10^5 होता है, और 1 ATM 1.013 × 10^5 होता है, इसीलिए देखो ये बार में वैल्यू है, ठीक है, और ये एटीएम में अगर बोलोगे तो 1 ATM हो, इसीलिए देखो 1.013 लिखा है। तो देखो बेटा 100 °C पर क्लोज वेसल में वाटर और वाटर वेपर बेटा इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसका क्या मतलब है? 100 °C पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, फॉर एनी प्योर लिक्विड एट 1 atmospheric प्रेशर द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है? तो देखो बेटा ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता रहे हैं, हालांकि एक्चुअल डेफिनेशन वेपर प्रेशर के टर्म्स में दी जाती है, यानी बेटा कोई भी प्योर लिक्विड, इनके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी प्योर लिक्विड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और बेटा वेपर प्रेशर के टर्म्स में क्या होता है सबको याद होगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1.013 बार या 1 ATM हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, समझ गए? 100 °C पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 100 °C पर वाटर का वेपर प्रेशर 1 ATM यानी 760 mm। सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। इसीलिए बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में जब क्वेश्चन में 100 °C होता है ना,
आपको P नॉट नहीं दिया होता है, अंडर स्टूड होता है P नॉट कितना लेना है 760। सर एक बार इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, नॉर्मल बॉलिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट। देखो बेटा नॉर्मल वर्ड बेटा कब यूज करते हैं पहले ये समझो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो बेटा प्लेन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, 760 मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर हम हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से कम होता है। तो जहां पर आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं, सुनिए, जिस जगह पर आप बॉइलिंग पॉइंट का मेजरमेंट कर रहे हैं अगर वहां प्रेशर 760 मिलीमीटर है एटमॉस्फेरिक, तो उसको कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मैदानी इलाकों में मिलेगा। अगर आप पहाड़ पे जाकर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं जहां प्रेशर 760 से कम है तो कभी भी उसको नॉर्मल नहीं बोलोगे, उसको केवल बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। समझ गए? Yes, sir. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, 760 मिलीमीटर होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का नया नाम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये कहां मिलेगा? मैदानी इलाकों में, पहाड़ों पर केवल बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज होगा, नॉर्मल नहीं होगा। और आप सबको मालूम है ऊंचाई पर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। बोलो यार। यस सर। यस सर। भाई देखो मैदानी इलाकों में आपको अपने लिक्विड के वेपर प्रेशर को 760 करना है और पहाड़ों पर 760 से कम करना होता है, इसलिए वहां बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? वो इसके अकॉर्डिंग नहीं, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर के अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल में यूज होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर यानी 1 atm हो जाता है, उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से कम है तो उसको हम लोग केवल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। फिर आ जाओ बेटा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। Let us now consider the system where solid sublime to vapor phase. देखो इन्होंने example लिया solid iodine को close vessel में रख दिया। After some time, vessel पूरा violet vapor में violet vapor भर जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि solid iodine directly बेटा किस पे convert हो रहा, vapor में। Iodine का क्या हो रहा, sublimation। अब आप जरा उसको carefully देखोगे तो देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो वायलेट कलर है ना इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद जो कलर की इंटेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाती है। आफ्टर सर्टेन टाइम इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम कॉन्स्टेंट, और जब बेटा कलर की इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट हो गई इसका मतलब जिस रेट से सॉलिड आयोडीन वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से वेपर आयोडीन सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा है, यानी सॉलिड का वेपर में बनने का रेट और वेपर का सॉलिड में बनने का रेट दोनों बेटा सेम हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक, सॉलिड आयोडीन sublime to give iodine vapor and the iodine vapor condensed to give solid iodine, jab in dono ka rate same ho jayega to kya exist karega, solid vapor equilibrium, isko inhone ya is tarike se likha ya arrow banana bhul gayi, isi tarike se beta dusri example inhone liya camphor solid camphor vapor, ammonium chloride solid ammonium chloride vapor। फिर देखो बेटा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड,
पहले सॉलिड लिक्विड की बात करें तो देखो बेटा सबने शरबत बनाया होगा, उसी को इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। देखो बेटा आपको पानी दे दिया जाए और शक्कर डिजोल्व करने को कहा जाए, चम्मच से आप शक्कर डिजोल्व करते हो, लेकिन आप देखोगे कुछ समय बाद शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाती है। बोलो। यस सर। यस सर। तो जब शुगर डिजोल्व होना बंद हो गया इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या एग्जिस्ट कर गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसके बीच में, डिजोल्व शुगर और अनडिजोल्व शुगर। ठीक है, देखो यही बात इन्होंने इस पैराग्राफ में लिख रखी है। वी नो दैट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट वी कैन डिजोल्व ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर इन ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। सपोज करो तुम्हारी मम्मी को रसगुल्ला बनाना, तो बेटा चाशनी की जरूरत होगी। यस सर। तो बताओ क्या आपको शक्कर दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, भाई चाशनी क्या है, शुगर का सॉल्यूशन है वाटर में। यस। तो क्या तुम चाशनी बना लोगे चम्मच हिला के? नहीं सर। नहीं नहीं, गरम करना पड़ेगा, पड़ता है ना। आप एक गिवन टेम्परेचर बेटा चम्मच हिला के जो सॉल्यूशन बना पाओगे बेस्ट एफर्ट करके, वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चाशनी क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इफ वी मेक ए थिक शुगर सिरप सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग शुगर एट हायर टेम्परेचर, अगर हमें बेटा चाशनी बनानी है तो हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा चाशनी कैसे बनती है, लगातार गर्म किया जाता है, ठीक। और बेटा जैसे ही अगर आप उसको ठंडा करते हो तो जो एक्स्ट्रा डिजोल्व होता है वो बाहर आने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो बोलो प्रेसिपिटेशन किस स्टेट में होता है, सुपर सैचुरेटेड। तो देखो इफ वी मेक ए थिक शुगर सिरप सॉल्यूशन ऑफ डिजोल्विंग शुगर एट हायर टेम्परेचर, शुगर क्रिस्टल सेपरेट आउट इफ वी कूल द सिरप एट द रूम टेम्परेचर। तो जो आपका चाशनी बना है ना रूम टेम्परेचर से, जब तक वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर मेंटेन रखोगे तो चाशनी बनी रहेगी, लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर वापस आओगे तो देखा होगा ना चाशनी में पपड़ी बनने लगती है। यस सर। ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। तो वी कॉल इट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो बेटा आपको एक सॉल्यूशन दिया गया शुगर का सॉल्यूशन, आपको शक्कर दिया गया, आपसे कहा जा रहा डिजोल्व करो। अगर बेटा शुगर आप डिजोल्व करने में कामयाब हो रहे हो तो उसको कहते हैं जो सॉल्यूशन आपको दिया गया था वो अनसेचुरेटेड था, और अगर आप बेस्ट एफर्ट करके भी बिना टेम्परेचर चेंज किए डिजोल्व नहीं कर पा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और टेम्परेचर चेंज करके सैचुरेटेड से ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया आपने तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। याद रखो बेटा सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, डिजोल्व सॉल्यूट और अनडिजोल्व सॉल्यूट के बीच में। तो यहाँ देखो सॉल्यूट शुगर है तो शुगर ये डिजोल्व वाला है और ये बेटा अनडिजोल्व, तो डिजोल्व नहीं हुई। तो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, दोनों का रेट सेम होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। फिर वही बातें दोबारा लिखी है, इक्वलिटी ऑफ द टू रेट्स एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हैज बीन कंफर्म विद द, ये सब बेकार की चीजें, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, बस आप याद रखो कि
इक्विलिब्रियम है तो दोनों का रेट क्या होगा सेम, और इक्विलिब्रियम क्या होगा डायनामिक। फिर देखो बेटा गैस इन लिक्विड, सबसे बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक। जब बेटा आप सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, सोडा वाटर यूज किया है आप लोगों ने? नो सर। यस सर। अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं है? हाँ उसमें होता था। सोडा वाटर में होता है क्या? सीओ टू होता है। टू होता है। व्हेन सोडा इज ओपन, जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलते हो ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व इन फिजेस आउट रैपिडली, बहुत तेजी से बाहर आती है। क्यों आती है? क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, बाहर बेटा उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर मिलता है, तो अंदर अलग इक्विलिब्रियम था, अब नई स्टेज में इक्विलिब्रियम लाना है तो CO2 एस्केप कर जाती है। द फिनोमेना अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। अंदर प्रेशर ज्यादा था, वहां CO2 ज्यादा डिजॉल्व थी, लेकिन जब आप बॉटल का ढक्कन खोलते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है, वहां सॉलिबिलिटी कम होती है, तो वहां पर तुरंत नया इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए CO2 एस्केप करने लगती है। देयर इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल डिजॉल्व इन द लिक्विड अंडर प्रेशर। ठीक है, तो ये बेटा CO2 वो है जो डिजॉल्व है, और ये CO2 है जो अनडिजॉल्व है। और आप सबने बेटा हेनरी लॉ पढ़ा होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किससे गवर्न होता है? हेनरी लॉ पे। जो क्या कहता है, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द, बोलो बेटा किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर की। बिल्कुल सही, m बराबर k इंटू p। लेकिन ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, हेनरी कांस्टेंट इसका रिवर्स होता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा। और बेटा डिजोल्यूशन ऑफ गैस इनवर्सली होता है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो गैस डिजॉल्व है वो स्केप करने लगेगी। कोल्ड ड्रिंक सबने पिए कि नहीं? यस सर, पिए। पिया है, वही बात बेटा इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। आप फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालिए, ढक्कन खोलिए, दो घूंट अंदर करिए, टेस्ट का आइडिया मिल गया? बोलो। यस सर। अब उसी कोल्ड ड्रिंक को एक गिलास में डालिए और एक घंटे बाद पीजिए आप उसको, आप देखोगे कोल्ड ड्रिंक लगी नहीं रही होगी, जस्ट लाइक वाटर होगा, शरबत की तरह। यस सर। क्यों ऐसा हुआ? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भाई आपने जब निकाला बॉटल फ्रिज से तो टेम्परेचर था 5°C और आपने रख दिया रूम टेम्परेचर पे, या 30-35 है। भाई पक्की बात है, जब 15 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है तो कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पियोगे आप? पियोगे? पी लेंगे। मतलब फ्री की मिल जाती है? देखे नहीं सर, खरीद के। खरीद के? कोई जरूरत नहीं, देख रहे मौसम खराब है, 15 दिन इंतजार कर लो, उसके बाद पी लेना। देखो बेटा एक चीज बताया तुमको, केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट तभी बनता है जब दो कंडीशन फुलफिल होती है, एक एनर्जी बैरियर और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। बताया था ना? यस सर। एनसीईआरटी से बताया था। तो बेटा आपको साल भर तैयारी करनी है, खूब मेहनत करना है, नीट का पेपर फॉर्म भरना है, और जिस डेट को पेपर हो उस डेट को पूरी तरह स्वस्थ होके एग्जामिनेशन हॉल में जाना। क्या फायदा, आपने पूरी तैयारी की, फॉर्म भी भरा, उस दिन तबीयत खराब हो गई। यस सर। ठीक है ना, तो ऐसी बेवकूफी इस जाड़े के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने की मत करिए। तो बड़ी बात बेटा, देखो इस पैराग्राफ में लिखी हुई,
soda water bottle is sealed under a pressure of gas when the solubility in water is very high. As soon as the bottle is opened, some of the dissolved CO2 gas escape to reach new equilibrium. पहले हाई प्रेशर पे इक्विलिब्रियम था, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला इक्विलिब्रियम बनाना चाहेगा, उसमें क्या होगी, गैस एस्केप कर जाएगी, ठीक है. कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द लोअर प्रेशर, नेमली इट्स पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर. दिस इज हाउ द सोडा वाटर इन बॉटल व्हेन लेफ्ट ओपन टू द एयर फॉर सम टाइम टर्न्स फ्लैट, इट कैन बी जनरलाइज्ड. यानी जब सोडा वाटर को बेटा आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो, जस्ट लाइक वाटर आपको मिलता है. क्यों? क्योंकि CO2 एस्केप कर चुकी होती है. ठीक है भाई? Yes, अब देखो उन्होंने तो रिजल्ट की में क्या बताया, फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. अब तीनों बेटा, तीनों को एक जगह समराइज किया है. फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन टेम्परेचर at 1 atm at which two phase can coexist. If there is no exchange of heat with the surrounding, the mass of the two phase remain constant. Koi beta is paragraph mein dikkat? Inka kehna beta ye hai ki jab solid liquid equilibrium exist karega to 1 atm pressure par temperature fix hoga. उस टेम्परेचर को हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, लिक्विड के रिस्पेक्ट में फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. सॉलिड और लिक्विड दोनों फेस एग्जिस्ट करेगी. क्यों? क्योंकि सॉलिड रिएक्टेंट है, लिक्विड प्रोडक्ट है. दोनों भाई, पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि 100% रिएक्शन नहीं होती है. तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है. और अगर सराउंडिंग से हीट नहीं आ रही है या नहीं जा रही है तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, तो अमाउंट भी बेटा फिक्स रहेगा. यही बेटा इन्होंने लिक्विड के लिए बोला है, तीनों के लिए बात एक ही है. फॉर लिक्विड वेपर, वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर. फॉर डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड, अगर टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है तो सॉलिबिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. फॉर डिजोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अगर टेम्परेचर बेटा सेम है तो गैस जो सॉलिबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, अगर प्रेशर सेम है तो. और एक गिवन टेम्परेचर पर अगर आपको सॉलिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है भाई? यस सर, यस सर. वही चीज इन्होंने यहाँ पे समराइज किया. फिर देखिए बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस. देखो बेटा, फिजिकल हो या केमिकल, कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम है. फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर कॉमन टू द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज्ड सिस्टम. बेटा ये केमिकल के लिए कॉमन है कि नहीं? यस सर. ठीक है ना? यस सर. बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम. फिजिकल और केमिकल दोनों के लिए बात ही बेटा सही है. ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बेटा चेंज नहीं होता, मैंने कल बताया था. इक्विलिब्रियम पर बचा हुआ रिएक्टेंट होता है, बना हुआ प्रोडक्ट होता है, दोनों की कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती. अब जैसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है तो रिएक्टेंट लिक्विड हो गया, वेपर प्रोडक्ट हो गया, दोनों का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा. व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन फॉर फिजिकल प्रोसेस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट गिवन टेम्परेचर. ठीक है, 7.1 पे लिस्ट दिया हुआ है, ये पढ़ लेना कि भाई इसमें लिक्विड वेपर है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, सॉलिड लिक्विड है तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, फिर सॉल्यूशन है तो सॉलिबिलिटी फिक्स होती है,
यहाँ पर गैस और गैस है, तो जो गैस की सॉलिबिलिटी है वो फिक्स होती है गिवन प्रेशर पे और गिवन टेम्परेचर पे। तो बेटा इन शॉर्ट ये आपको क्या याद रखना है, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी वेरी करेगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीडेड। जैसे लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है तो वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड आपको बेटा क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन, कितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे गैस लिक्विड का है तो इक्विलिब्रियम, तो जो गैस डिसॉल्व है उसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन। बोलो बेटा इन पांच पॉइंट में कोई दिक्कत? फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम इन डायनामिक, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, देखो बेटा वही बात इन्होंने फिर दोबारा लिखी है, एनालॉगस मतलब सिमिलर टू द फिजिकल सिस्टम केमिकल रिएक्शन आल्सो कंटेन ए स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कल बताया था स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी बैकवर्ड के क्या होगी, बराबर होगी। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस इज द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सब कल बताया था। और बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, डायनामिक, चाहे फिजिकल हो या केमिकल हमेशा डायनामिक, ठीक, क्योंकि जिस रेट से प्रोडक्ट बनेगा उसी रेट से प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, जिस रिएक्टर से रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसी रेट से रिएक्टेंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमेशा डायनामिक होता है। फिर देखो बेटा इन्होंने ए प्लस बी गिव सी प्लस डी लिया, तो जैसे जैसे बेटा रिएक्शन प्रोसीड करेगी, हमने भी यही एग्जांपल लिया था, ए और बी का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सी और डी का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड का रेट किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी पर, बैकवर्ड का किस पे डिपेंड करेगा, सी और डी पर। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा फॉरवर्ड की वेलोसिटी घटेगी, बैकवर्ड की वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड आफ्टर सम टाइम दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यही बात इन्होंने लिखी है, देखो ए और बी का अमाउंट देखो डिक्रीज कर रहा, सी और डी का अमाउंट बेटा इंक्रीज कर रहा, ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। तो देखो कंसंट्रेशन ए और बी की डिक्रीज कर रही है, सी और डी की इंक्रीज कर रही है, और जब बेटा यही ग्राफ आप किसमें खींचोगे, रेट वर्सेस में, ये ऐसे हो जाता है, क्या एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। बस यहां तक पढ़िएगा, फिर इन्होंने जबरदस्ती का डायनामिक इक्विलिब्रियम लेके फालतू की बातें की, वो पढ़ने की जरूरत है। बस इतना याद रखो, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, ठीक है, सॉरी, चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे केमिकल, हमेशा डायनामिक होता है, यानी दो अपोजिट रिएक्शन एक साथ होती रहती है, रिएक्शन कभी रुकती नहीं है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन। या जब पढ़ना चाहे ना तो पैराग्राफ पढ़ लेना, फिर उसी को जब जबरदस्ती उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी झोंक दिया है, इसको भी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग का एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी को देखो ना जबरदस्ती एक बार हैबर प्रोसेस को लेके समझाया है, फिर H2 और I2 को लेके समझाया है, ठीक है, तो देखो ये सब तो ऑलरेडी आपको मालूम है। देखो अगर हैबर प्रोसेस लोगे तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन घटेगी, नाइट्रोजन की घटेगी, लेकिन अमोनिया की बढ़ेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम देखो लाइन बेटा देखो क्या हो रही है, लीनियर हो रही है, यानी विद इक्विलिब्रियम पर तीनों का अमाउंट बेटा क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट। यही ग्राफ देखो यहाँ दिया हुआ है,
देखो दोनों इम्पोर्टेंट है ये दोनों वाला। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है सर, केवल आप याद रखो इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है बस। फिर देखो बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वही ये सब बेटा कल बताया था हमने। यस सर। देखो जैसे ए प्लस बी गिव सी प्लस डी है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन है। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गोल्डबर्ग एंड पीटरसन वागे, ये सब केमिकल काइनेटिक्स में हमने बता रखा है भाई। इन्होंने देखो डायरेक्ट लिख दिया, हमने पूरा डिटेल में आपको बताया था, इसको केएफ लिया था, इसको केबी लिया था, पूरा बताया था, वही चीज लिखी हुई है यहाँ। ठीक है भाई, तो इसमें ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है इस पैराग्राफ में, केवल आपको ये सब मैंने बता रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना बता रखा है, जबरदस्ती का ये वैल्यू लेके शो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये फार्मूला लिखना बताया इन्होंने, अगर होमोजीनियस रिएक्शन है तो केसी का फार्मूला लिखना सबको आता है, प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में रखना है, रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में रखना है, स्टाइकोमेट्री को पावर में रखना है। देखो ये लिखा है, एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट रेज टू द रिस्पेक्टिव, ये टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जब भी बेटा किसी रिएक्शन का केसी लिखना है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाली कंसंट्रेशन को न्यूमरेटर में, रिएक्टेंट वाले को डिनोमिनेटर में, स्टाइकोमेट्री को पावर में। बोलो मालूम है ना? यस सर। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दिया। जैसे एच टू प्लस आई टू गिव्स टू एच आई है, तो केसी क्या होगा, एच आई का स्क्वायर अपॉन एच टू इंटू आई टू। ठीक बेटा? यस सर। फिर देखो इसी को जनरलाइज किया है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ये है, तो देखो बेटा सी स्टाइकियोमेट्री, देखो केसी क्या है, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर है, बी की पावर बी। अब जैसे ये रिएक्शन है तो केसी क्या होगा, एनओ की पावर फोर, और देखो ये होमोजीनियस है। जब भी बेटा फिजिकल स्टेट मेंशन ना हो अपनी ओर से गैस लेना, तो केसी बेटा सबको लिखना आता है, यही सब केसी लिखना इसमें बताया। फिर देखो ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगर किसी रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रिवर्स। जैसे H2 plus I2 gives 2HI का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट X है, तो फॉर्मेशन का कितना है X, तो डिसोसिएशन का बेटा क्या होगा, 1 by X। ये हम आगे हम लोग नोट्स में अपने जब नोट्स पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। या इसको बेटा ऐसे याद रखना कि अगर फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है तो डिसोसिएशन का क्या होगा, 1 by x हो। जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया बन रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया का कितना होगा, 1 by k। फिर देखो इन्होंने बेटा वही बात लिखी है, अगर बेटा आप स्टाइकियोमेट्री चेंज करते हो तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। जैसे इसकी बेटा x माना आपने h2 plus i2 gives hi की x, अगर उसको दो से डिवाइड कर दोगे तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, x की पावर हाफ हो जाएगी। तो ये तो सबको रटा होगा, दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, तीन से मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब हो जाता है, दो से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट, तीन से डिवाइड करेंगे क्यूब रूट। मालूम है कि नहीं बेटा? यस सर। एन से मल्टीप्लाई करो केसी की पावर एन, एन से डिवाइड करोगे तो वही चीज इन्होंने कर रखा है। बाकी देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट, देखो न्यूमेरिकल है। देखो इक्विलिब्रियम पर तीनों का कंसंट्रेशन दिया है, केसी पूछ रहा है, केसी का फॉर्मूला लिखा, तीनों वैल्यू रखी, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है।
होमोजीनियस इक्विलिब्रिया मतलब जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है सेम, उसको कहते हैं होमोजीनियस, ठीक। और अगर गैसियस है तो मोल पर लीटर बेटा किससे रिप्लेस हो जाता है, बोलो, एटीएम से। ये सब कल हमने बताया था आपको, केपी केसी में रिलेशन मालूम है कि नहीं? यस सर। वही इन्होंने यहाँ डिराइव करके दिखाया है, एक बार इसको पढ़ लेना, देख लो कोई किसी में दिक्कत हो बताओ। नहीं सर। ये केसी का फार्मूला है, केपी का फार्मूला है। अब पार्शियल प्रेशर देखो, इस फार्मूले से निकाल लो, पीवी बराबर एनआरटी होता है, पी बराबर एन वाई वी आर टी, एन बाई वी को क्या कहते हैं, एक्टिव मास। तो देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे ये रिएक्शन लिया, केसी के लिए ये फार्मूला है, केपी के लिए फार्मूला, पार्शियल प्रेशर ऑफ एचआई क्या होगा, एचआई का एक्टिव मास इनटू आरटी, आई टू का एक्टिव मास इनटू आरटी, एच टू का एक्टिव मास इनटू आरटी, तीनों ही रखा तो केपी बराबर केसी आया। क्यों, हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, जब केपी और केसी में रिलेशन निकालना हो तो क्या निकालते हैं, डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी जीरो, केपी बराबर केसी, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, केपी लेस देन केसी, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, केपी ग्रेटर देन केसी। तो जिसके लिए डेल्टा एन जी जीरो होगा केपी बराबर केसी, जिसके लिए डेल्टा एन जी ग्रेटर इक्वल टू जीरो नहीं, उसके लिए केपी बराबर केसी नहीं होगा। वही बात इन्होंने लिखी हुई है। और बाकी यूनिट हमने बताई दिया था आपको, यूनिट निकालना है केपी का एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, केसी का करना है तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। बताओ बेटा हैबर प्रोसेस के लिए केसी की यूनिट क्या होगी, हैबर प्रोसेस के लिए केसी की यूनिट मोल पर लीटर की पावर माइनस टू। और अगर H2 प्लस I2 गिव्स टू H आई है तो जीरो, जीरो नहीं यूनिट नहीं होगी, हाँ मतलब ये सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो इतना आप लोग ये जो एग्जांपल दिए ना ये सब कर लेना। देखो बेटा आजकल जो ट्रेंड है नीट का पेपर का, इन्हीं एग्जांपल को सिंपल तरीके से करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भैया है बहुत सिंपल लेकिन इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पहली बात आप केवल क्वेश्चन देखिएगा, कभी भी इनका सॉल्यूशन मत देखिएगा, सॉल्यूशन देखोगे तो डर लग जाएगा आपको, क्योंकि ये चीज आपसे कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब आपको नहीं देखना है। केवल आपको जो कैलकुलेशन आती है वो इससे करना, समझ गए? yes. तो ये एग्जांपल 7.1 से लेके 7.5 तक एग्जांपल कर लेना, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। हेट्रोजीनियस सर नेक्स्ट टर्न के लिए कितना पढ़ के आना पड़ेगा बता दीजिए। नेक्स्ट टर्न पे अरे 5-6 पेज तो पढ़ ही के लेना, पूरा पढ़ लेना, पूरा हो जाएगा, ज्यादा नहीं है कुछ इसमें है। याद फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया था, बाकी ये सब तो नोट्स में ही कवर हो जाएगा ना, इस पे कुछ ज्यादा। और सुनो आप लोग भी अंडरलाइन कर लेना, जो चीज ना समझ में वो बताना, वो और क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, जो हमने अंडरलाइन किया है, हमने तो पूरा ही अंडरलाइन किया है, ये देखो पूरा ही अंडरलाइन, सब फिर भी कर दीजिएगा कुछ नहीं, खुद पढ़ो, खुद भी तो करो। सर
कोचिंग कब से खुलेगी कुछ इन्फॉर्मेशन है? मंडे से बेटा ऑर्डर आ चुका है, अब ये मंडे से खोलेंगे कि नहीं ये पता नहीं, स्कूल कॉलेज खुलने का ऑर्डर आ गया। ठीक है भाई, तो कल क्या करेंगे हम लोग, कल की क्लास है सर, आधे घंटे अपना नोट और आधे पौन घंटे अपना नोट और आधे पौन घंटे एनसीईआरटी और बाकी टाइम एनसीईआरटी। ठीक है सर, ठीक। अरे मतलब 45 मिनट वो 45 मिनट हो, 45 मिनट में यहाँ तक हम लोग पहुंच जाएंगे, पढ़ के आइएगा यहाँ तक। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो सर। यही पूछना था कोचिंग, कोचिंग बता तो रहा है, ऑर्डर है गवर्नमेंट का कि मंडे से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। अब चक्कर क्या है ना बेटा, पहले अभी ये तुरंत नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत से बच्चे चले गए घर, तो अब ये पहले एक दो दिन अपने ग्रुप में डाल के कोचिंग का खोल रहे हैं, तो जिससे भाई मान लो मंडे से खोल दे, आधा लड़का कहेगा सर हम तो आ नहीं पाएंगे, पढ़ा दिए तो फिर बवाल हो जाएगा, हम भी घर ही। तो ये मान के चलो गवर्नमेंट का ऑर्डर भी होगा तो भी वेडनेसडे से पहले नहीं खुलेगी जहां तक मेरा। ठीक है भाई, ओके सर, ओके ओके बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर।